हेलो दोस्तों, राजवंत सिंह माली आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी गुरुकुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वो रियल स्टेट से हटके है, प्रोएक्टिव वर्सेस रिएक्टिव। पहले तो हमें इन दोनों शब्दों का मतलब समझना पड़ेगा कि प्रोएक्टिव क्या है और रिएक्टिव क्या है। प्रोएक्टिव का मतलब है आपको जिस तरीके के मर्जी हालात दिए जाएं, आप उन हालातों में से आपने पॉजिटिव एटीट्यूड लाकर बाहर निकलना है। मतलब हालातों को अपने ऊपर भारी नहीं होने देना, या दूसरे शब्दों में मैं ये कहूँ कि अपने बुरे हालातों को ठीक होने का इंतज़ार नहीं करना और आपने कोशिश करके उसमें से निकल जाना है। मैंने अपनी किताब नॉट मैड सो बैड या बिना जुनून नहीं सुकून, उसमें इसका एक चैप्टर दिया है कि बुरे हालातों को ठीक होने का इंतज़ार मत करो। यदि बुरे हालात ठीक करते करते ही हमारी ज़िंदगी निकल गई तो हम कब आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, कभी भी किसी भी महापुरुष के हालात उनके अनुकूल नहीं रहे। गुरु नानक देव जी से लेके रामचंद्र जी तक, कृष्ण तक, गुरु गोबिंद सिंह जी तक, सभी के हालात खराब रहे। रामचंद्र को वनवास दिया गया, वनवास में उनकी धर्मपत्नी को उठा लिया गया। यदि वो सोचते कि मेरे हालात ठीक होंगे तब जाकर मैं रावण से मतलब युद्ध करूंगा, तो वो कभी भी कामयाब ना हो सकते। और यदि कृष्ण ये सोचते कि मैं जेल से निकलने के बाद कंस से लड़ाई करूंगा या अपने जो उसके पापों की सजा दूंगा, तो ये कभी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उनके हालात कभी ठीक होने वाले नहीं थे। इसी तरीके से गुरु गोबिंद सिंह जी को कितने मतलब बुरे हालातों में से निकलना पड़ा। गुरु रविदास जी और अपने भक्त कबीर जी, कितने मतलब हर किसी की भी आप जीवनी उठा के देख लो, उन्होंने बुरे हालातों का मुकाबला किया ही किया है। जिन्होंने नहीं किया वो चुप करके बैठ गए, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ जिन्होंने करना है उनके पास एक कारण और जिन्होंने नहीं करना उनके पास 100 बहाने। सो इसका यह तो प्रोएक्टिव तो हो गया, ये रिएक्टिव का मतलब है हर बात पर हमने अपना रिएक्शन दे देना है कि ये ऐसे हो गया जी, ऐसे ना होता तो हम ऐसे कर लेते, मोदी जी ना होते तो हम ऐसे कर लेते, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ना होते तो हम ऐसे कर लेते, केजरीवाल ना होते तो हम ऐसे कर। हर बात को किसी न किसी बहाने से जोड़ देना है। मतलब हम आप करना आप नहीं चाहते कुछ, बहाना कोई ना कोई लगा देना है। हमने बहाना नहीं लगाना, यदि हम बहाने वाली ज़िंदगी जिएंगे तो हमारी ज़िंदगी कभी भी उज्ज्वल नहीं हो सकती, कभी भी खुशहाल नहीं हो सकती। इसलिए आपने हमेशा प्रोएक्टिव रहना है। जिस तरीके के मर्जी हालात हों, आपने हालातों के आगे घुटने नहीं टेकने, आपने आगे बढ़ते जाना है और आपके जो रिजल्ट हैं बहुत बेस्ट होते चले जाएंगे। आज के टॉपिक में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, लाइक कर देना और घंटी वाला बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में, आपके नए टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू वेरी मच, आप अपना ध्यान रखना, मिलता हूँ जल्दी एक नए टॉपिक के साथ।